नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। दिल्ली में ऑड इवन फिर शुरू। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली में शुक्रवार से एक बार फिर ऑड इवन योजना शुरू हो गई। दिल्ली की सड़कों पर आज केवल ऑड नंबर वाले वाहन चलेंगे। हालांकि मोटरसाइकिल पर यह नियम लागू नहीं होगा। ये नियम पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी लागू होगा। नियम तोड़ने वालों पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। योजना के तहत सम तारीख को सम नंबर की, विषम तारीख को विषम नंबर की गाड़ियां चलेंगी, जबकि रविवार को दोनों नंबर की गाड़ियां चलेंगी। योजना में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की गाड़ियां शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को छूट मिलेगी। महिला और विकलांगों पर भी ऑड इवन नियम लागू नहीं होगा। पाकिस्तान को सभी आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिका। पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया आईएसआई और हक्कानी नेटवर्क के बीच गहरे संबंध की बात सामने आने पर अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वो सभी आतंकी संगठनों को अपने निशाने पर ले। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हम पाकिस्तान की सरकार के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ इस बात को लेकर लगातार स्पष्ट कर रहे हैं कि उसे सभी आतंकी संगठनों को निशाना बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने खुद भी कई बार कहा है कि वो किसी आतंकी समूह को लेकर कोई पक्षपात नहीं करेगा किर्बी दरअसल नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव की ओर से जारी किए गए अमेरिकी केबल से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। इनमें पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और हक्कानी नेटवर्क के बीच गहरे संबंध होने की बात सामने आई है। दिल्ली में तंबाकू, गुटखा, पान मसाले पर पाबंदी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में गुटखा, पान मसाला, हनी और जर्दा सहित चबाने वाले तंबाकू के सभी उत्पादों की खरीद, बिक्री और भंडारण पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13 अप्रैल से एक वर्ष तक सभी प्रकार के तंबाकू के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस सिलसिले में एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के मुताबिक चबाने वाले तंबाकू के खुले उत्पादों को भी प्रतिबंध के दायरे में शामिल किया गया है।